औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बाना ज़िदना इल्मन नाफ़िया, रब्बाना ज़िदना इल्मन नाफ़िया, रब्बाना ज़िदना इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ का टीचर मोहम्मद रमज़ान शाहिद। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.3 करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो आज का हमारे इस एक्सरसाइज का टॉपिक है मिड पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिड क्या होता है, पॉइंट, फिर उस पर आएंगे कि मिड का मतलब है किस चीज़ का दरमियान, वस्त फाइंड करना, और पॉइंट्स जो आपको दिए जाएंगे दो पॉइंट, उन दोनों का मिड फाइंड करना। अब इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 के अंदर भी ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिए जाएं तो उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। उस वक्त हमने पी से क्यू या कोई भी नंबर है उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना सीखा, और आज हम सीख रहे हैं उन दोनों के दरमियान जो है मिड पॉइंट, यानी कि दोनों ऐसा पॉइंट जहाँ से दोनों साइड पे उसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो, वो मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए अब हमारे पास एक बाकायदा फार्मूला, एक मेथड है, उस मेथड के तहत हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। मेथड आपके पास मिड पॉइंट एम है कि जो पॉइंट्स आपको दिए जाएँ, फॉर एग्जाम्पल पी का है, उसके पॉइंट आपके पास होते हैं x1 y1, क्यू के हैं x2 y2। अब इसी तरह आपके पास पी का जो पॉइंट x1 और क्यू का x2, उन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, मींस उसका मिड फाइंड होगा। इस तरह इसका दूसरा एलिमेंट है आपके पास y1, उधर है y2, उन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे करेंगे डिवाइड। तो इस तरह हम इसका मिड पॉइंट, इसके 2 एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, जो आपका फर्स्ट x होगा, सेकंड उसका y होगा, जो उसका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बाकायदा हम एक क्वेश्चन पे आते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे पूरा उसका मेथड। अब आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए आपके पास है -4 9 और बी पॉइंट्स है -4 -3। अब ये दोनों पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। आपके पास देखें x1 जो है वो है -4 और x2 आपके पास है -4। इसी तरह y1 आपके पास है 9 और y2 आपके पास -3। अब हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला वही जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, m इसका मिड पॉइंट जो है वो इज इक्वल टू x1 + x2 / 2, और दूसरा एलिमेंट उसका है y1 + y2 / 2। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम। x1 की वैल्यू आपके पास है -4 और x2 की वैल्यू भी आपके पास है -4 / 2, और इस साइड से y1 की वैल्यू आपके पास है 9 और y2 की वैल्यू आपके पास है -3 / 2। -4 और -4 दोनों को हम ऐड करेंगे, आपके पास आएगा -8 / 2। अब उसके बाद है आपके पास 9 में से 3 को माइनस करेंगे, क्यों, 9 प्लस के 3 माइनस का, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 6 / 2। अब इस तरह इसका -8 को 2 पे डिवाइड किया तो -4, और ये आपके पास 2 को 6 पे डिवाइड किया तो 3। अब आपके पास जो मिड पॉइंट इसका मिला है m, वो आपके पास है -4 और 3, ये आपके पास इसका मिड पॉइंट फाइंड हो गया। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, आसान तरीन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं जो आप इसी मेथड के तहत सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसके जो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो हैं उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।